दोस्तों देख सकते हो मेरा नूब आईडी में भी बैच आ चुका है, असली वाला भी बैच। दोस्तों आप भी अपनी आईडी में इजीली ले सकते हो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सैकत, आप देख रहे हो डेंजर गेमिंग। आई होप आप बढ़िया होंगे। तो आप सभी का स्वागत करता हूँ डेंजर गेमिंग का और एक न्यू वीडियो में। तो भाई लोग, आज का वीडियो बहुत ही ओपी होने वाला है, क्योंकि मैं मेरा नूब आईडी में दोस्तों ओरिजिनल वाला भी बैच लेके दिखाऊंगा। मतलब आईडी में नहीं बोल सकते हो, जो कस्टम होता है कस्टम में ओरिजिनल वाला जो बड़ा बड़ा वेरीफाइड यूट्यूबर होता है वैसा दोस्तों सेम टू सेम भी बैच लेके दिखाऊंगा। और दोस्तों बहुत ही इजी सिंपल ट्रिक से आप भी अपने कस्टम में ओरिजिनल वाला यूट्यूबर जो भी बैच होता है वो दोस्तों सकते हो। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको दोस्तों मैं ट्रिक सिखा दूंगा आप कैसे दोस्तों अपना आईडी में ओरिजिनल वाला भी बैच, मतलब आईडी में नहीं कस्टम में कैसे ओरिजिनल वाला भी बैच लगा सकते हो, दोस्तों आपको मैं दिखा दूंगा। और दोस्तों बहुत ही ओपी ट्रिक्स होने वाला है, सीक्रेट ट्रिक्स होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ऐसा वीडियो यूट्यूब में है नहीं, पहले बार दोस्तों मैं बना रहा हूं। दोस्तों प्लीज सपोर्ट कर दो, मेरा चैनल थोड़ा सा डाउन जा रहा है, प्लीज दोस्तों हाथ जोड़ के मतलब क्या बोलते हैं रिक्वेस्ट करता हूं, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाला बेल आइकन दोस्तों जो होता है उसको ऑल पे सेट कर दो, क्योंकि दोस्तों आप लोग ऑल पे सेट नहीं करते हो नोटिफिकेशन नहीं जाता है। दोस्तों हाथ जोड़ के मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज दोस्तों थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल को ऑल पे सेट कर दो और वीडियो को एक लाइक कर दो। दोस्तों अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ ओपी सा ट्रिक्स। दोस्तों ट्रिक्स बहुत ही सिंपल है, आपको दोस्तों में क्या करना है, यहाँ पे कस्टम का दोस्तों नेम होता है, मतलब रूम का जो नेम होता है उधर दोस्तों आप भी बैच ला सकते हो बहुत ही इजीली। दोस्तों आपको मतलब सिंपल भाषा में ट्रिक्स सिखा देता हूँ, देख सकते हो थर्ड जो ब्रैकेट होता है वो आपको देना है और स्मॉल लेटर में आपको एस लिखना है और उसके बाद दोस्तों जीरो लिखना है, उसके बाद दोस्तों फिर से आपको जो ब्रैकेट होता है, मैं गलत टाइप कर रहा हूँ, जो बड़ा वाला ब्रैकेट होता है दोस्तों ऐसे लिख देना है। दोस्तों देख लो आपको क्या करना है, बड़ा वाला ब्रैकेट देना है, छोटा सा एज लिखना है, उसके बाद ओ मतलब जीरो लिखना है, उसके बाद फिर से ब्रैकेट देना है और दोस्तों आप जो अपना कस्टम का नाम रखना चाहते हो वो रख लो और दोस्तों आपको ओरिजिनल वाला भी बैच आ जाएगा। दोस्तों पूरा ओरिजिनल की तरह दिखता है, मतलब ये ट्रिक्स है, मतलब क्या बोलते ऑफिसर ट्रिक्स है, परमानेंट नहीं रहेगा, कस्टम में दोस्तों आप मतलब कर सकते हो और अपना जो क्या बोलते हैं दोस्तों को चौंका सकते हो। हाँ दोस्तों अपना जो अभी अगर ये अगर ट्रिक्स अपने दोस्तों का शेयर करते हो वो लोग दोस्तों चौंक जाएगा, मतलब ऐसे भी मतलब भी बैच कोई नहीं ला सकता है। और दोस्तों अभी आप देख सकते हो आपके सामने मैजिक ओरिजिनल वाला भी बैच दोस्तों देख सकते हो, सेम टू सेम दिखने वाला भी बैच मैंने मेरे दोस्तों क्या बोलते कस्टम में लगाया है। आप भी दोस्तों इसी प्रोसेस से अपना आईडी में मतलब अपना कस्टम में ऐसे लगा सकते हो। मेरा नूब आईडी है, देख सकते हो मेरा नूब आईडी में दोस्तों किया। आप भी अपना जब भी कस्टम बनाना अपने दोस्तों के साथ खेलते हो तो आप कस्टम मतलब आप लोग मेरे को पता है आप लोग कितना अच्छा कस्टम खेलने के लिए मतलब क्या बोलते कस्टम खेलना आप लोगों को कितना अच्छा लगता है। तो दोस्तों आप इसी प्रोसेस से करके अपना जो दोस्त होता है उनको चौंका सकते हो। और दोस्तों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को शेयर कर ही दो, क्योंकि मैं बहुत दोस्तों दुखी हूँ, मेरा चैनल दिन ब दिन दोस्तों डेड होने के कगार में है, क्योंकि व्यूज नहीं आ रहा है। तो प्लीज दोस्तों से हाथ जोड़ के मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मतलब आपको इरिटेटिंग फील हो सकता है, फिर दोस्तों मैं मतलब क्या मजबूर हूँ, मेरे को ऐसा करना ही पड़ रहा है, क्योंकि दोस्तों आप अपने हाथ के सामने कोई भी अगर आपने एक घर बनाया है वो घर टूटता हुआ देखते हो कोई आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए दोस्तों मेरा भी ऐसा ही कुछ सीन है, इतना मेहनत से दोस्तों एक साल में चैनल खड़ा किया उसके बाद दोस्तों डेड होने के कगार में है। तो प्लीज दोस्तों से हाथ जोड़ के मैं बार बार विनती कर रहा हूँ दोस्तों, प्लीज शेयर तो कर ही दो। और दोस्तों ये ट्रिक से मतलब जैसे बोल रहा था आप अपने हर एक दोस्तों के साथ शेयर करके उनको चौंका सकते हो। और दोस्तों बहुत मतलब बहुत मेहनत करके ये ट्रिक्स लाया हूँ, तो प्लीज दोस्तों इसको शेयर जरूर से कर देना। और दोस्तों अभी मैं मेरा दो गिल्ड का बहुत ही अच्छा प्लेयर के साथ मतलब कस्टम खिलाने वाला हूँ। और दोस्तों मैं बहुत दिन बाद कॉमेंट्री कर रहा हूँ, मतलब पहले जब मेरा चैनल मतलब ग्रो नहीं हुआ था तब दोस्तों मैं कम कॉमेंट्री यानी दोस्तों कास्टिंग करता था और दोस्तों वो छोड़ दिया था मैंने। अभी दोस्तों बहुत दिन बाद मौका मिला है तो दोस्तों बहुत ही छोटा मैच होने वाला है, 7 राउंड का मैच होने वाला है, मैं कमेंट्री करने वाला हूँ। तो दोस्तों आई होप ये कमेंट्री भी आपको अच्छा लगेगा, इसी बात पे दोस्तों एक लाइक तो ठोक ही दो, वीडियो बहुत ज़्यादा मेहनत करके बनाता हूँ दोस्तों। और अभी दोस्तों रात के 2 बज रहे हैं, मैं रात को वीडियो बनाता हूँ क्योंकि घर वाले को दोस्तों परेशान ना हो इसलिए। तो प्लीज़ दोस्तों मेरे को सपोर्ट करो, कोऑपरेट करो, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हो डीजी पिकाचू और डीजी साइकोरेक्स के बीच में कस्टम स्टार्ट हो चुका है और दोस्तों देखते हैं मैं ऑफिसर कमेंट्री देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों चलिए कमेंट्री की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो कस्टम स्टार्ट हो चुका है, एक तरफ है डीजी पिकाचू और एक तरफ है डीजी साइकोरेक्स और दोनों ही डेजर्ट ईगल लेता हुआ और दोनों ही वन टाइम मारने में बहुत ज़्यादा मशहूर है और मैं बहुत दिन बाद कमेंट्री कर रहा हूँ दोस्तों, वीडियो में कमेंट से गलती हो जाता है, अपना छोटा भाई समझ के माफ कर देना। तो दोस्तों देख सकते हो आगे बढ़ता हुआ दोनों ही मतलब हीरोइक का ड्रेस पहना हुआ है, देख सकते हो राहुल हीरोइक ऑलरेडी जा चुका है, 2 दिन ही सीजन आया है, मतलब हम लोग सभी हीरोइक गए हैं और मैं थोड़ा सा के लिए ग्रैंड मास्टर चूक गया था। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा साइकोरेक्स है फीका ब्लैक ग्लू वाल आगे बढ़ता हुआ
और यहाँ पे साइको जो पिकाचू है इसके पास है हमारा लावा वाला पेंटाफिलिप वाला ग्लूवॉल और यहाँ पे 45 का एक डैमेज हो चुका है। साइको रेस थोड़ा सा डैमेज है, राहुल वन टाइम लेने का जबरदस्त कोशिश कर रहा है फिर भी अभी तक वन टाइम नहीं ले पाया है और साइको रेस का डैमेज अभी भी जीरो है। देखने वाली बात होगा कौन फर्स्ट में वन टाइम लेके हुए लीड में लीड का आगे हुए बट मतलब लीड कौन आगे लेता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे साइको रेस के बाद बहुत ही ओपी मौका था फिर भी मौका गवाता हुआ यहाँ पे राहुल क्या जलवा दिखा पाएगा यानी राहुल यानी पिकाचू दोस्तों उसका असली नाम राहुल है तो गलती हो जाता है। तो दोस्तों देख सकते हो जबरदस्त कोशिश चल रहा है और यहाँ पे पिकाचू का ओपी सा डेजर्ट निकल का वन टैप। और दोस्तों ऊपर से मेरे को मैसेज आया था माफ कर देना क्योंकि मेरा एक ही फोन है मैं गरीब हूँ तो एक ही फोन से मतलब क्या बोलते हैं पर्सनल फोन है और इसी से गेम खेलता हूँ वीडियो बनाता हूँ सब कुछ करता हूँ। तो दोस्तों मैसेज आ गया था अपना छोटा पैसा माफ कर देना। तो यहाँ पे सेकंड राउंड भी स्टार्ट हो चुका है। साइको रेस के पास है हमारा थॉमसन जो ओपी सा रेट ऑफ फायर वाला स्किन और ओपोनेंट में राहुल के पास क्या है देखने वाली बात होगा। यहाँ पे साइको रेस बहुत ही रास करने के मूड में है और यहाँ पे राहुल भाई साहब राहुल के पास रेड ग्लूवॉल है वन टाइम लेने की शायद कोशिश कर रहा है। देख सकते हो साइको रेस बहुत ही एग्रेसिव मूड में बाहर की तरफ घूमता हुआ राहुल क्या मार पाएगा ओ भाई साहब फिर से वन टैप भाई साहब राहुल के द्वारा डेजर्ट ईगल का ओपी सा फिर से वन टैप लग चुका है। साइको रेस 2-0 से हार रहा है देखने वाली बात होगा कौन यहाँ पे लीड लेता हुआ और ये गेम को जीत पाएगा। और दोस्तों वी बैच वाला आपको मैंने सिखाया आप दोस्तों प्लीज दोस्तों मैं तो क्या बताऊँ अपने दोस्तों का एक एक दोस्तों का शेयर कर दो क्योंकि दोस्तों ये वीडियो मतलब क्या मतलब वायरल होना चाहिए और आप लोगों को सपोर्ट थोड़ा सा चाहिए। और यहाँ पे पिकाचू अपना इमोट टिका तो हुआ लोल इमोट पता नहीं किसको दिखा रहा है मेरे को शायद दिखा रहा है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस राउंड में कौन मतलब क्या बोलते साइको रेस कम बैक कर पाता है या राहुल जीत के करीब और भी बढ़ता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे M18 एक के पास है और एक के पास है डबल रेट ऑफ फायर वाला M10 जो कि देता ही है मेरे पास भी है बहुत ही ओपी M10 है। तो देखते हैं M10 चलेगा या M18 चलेगा दोनों एक खुले में आमने सामने फाइट करने के लिए तैयार है। सामने बढ़ता हुआ साइको रेस रस करने में फिर से पहले से ही रस करने के मूड में है और राहुल थोड़ा सा डिफेंस खेलता हुआ और यहाँ पे देख सकते हो राहुल भी आगे बढ़ता हुआ वन टाइम लेने की भी कोशिश करेगा। M18 का चलेगा या आपका M10 चलेगा देखने वाली बात होगा। यहाँ पे ओ भाई साहब राइट स्टार जैसा मूवमेंट कहते ही जैसे राइट स्टार बन चुका है पिकाचू देखने वाली बात होगा साइको रेस इसका जवाब कैसे देगा। तो देख सकते हो साइको रेस कहाँ पे है नहीं दिख रहा है और सामने आ चुका है फॉल्स फायर हो रहा है पता नहीं क्यों। और यहाँ पे देख सकते हो मतलब क्या बोलते हैं हम लोगों के पास किसी के पास भी M18 का स्किन नहीं है क्योंकि बहुत कीमत वाला आता है और हम लोग दोस्तों गेम में ज़्यादा पैसे उड़ाते नहीं है। और यहाँ पे राहुल के पास बढ़िया मौका था यहाँ पे मौका चुकता हुआ राहुल वन टैप लेने मतलब जो स्पीकर जो है वन टैप लेने की कोशिश कर रहा है उसका असली नाम दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो M10 का 30 डैमेज दे रहा है यहाँ पे पिकाचू का बहुत बढ़िया मौका बहुत बढ़िया मौका चुकता हुआ यहाँ पे क्या पिकाचू मार पाएगा या साइको रेस लीड लेगा साइको रेस के आगे बढ़ेगा। ओ भाई साहब देख सकते हो डैमेज करता ओ भाई ओपी सा वन टैप पिकाचू की द्वारा कहते ही ओपी डैमेज देता हुआ हमारा M18 जो कि नॉन स्किन है फिर भी ओपी सा वन टैप देता हुआ कहते ही तारीफ के कादर में है हमारा पिकाचू भाई। तो देखते हैं पिकाचू भाई क्या इस राउंड में गेम को पलट करके 4-0 कर पाएगा या साइको रेस कमबैक कर पाएगा। हालांकि साइको रेस भी बहुत ही ओपी प्लेयर है इसका वीडियो मैं दोस्तों मैं पहले बहुत चैनल में डालता था तो दोस्तों देख सकते हो आगे भी जाके मतलब चैनल में जाके देख सकते हो दोनों ही ओपी प्लेयर है ऐसा बात नहीं है कि बुरा प्लेयर है एक अच्छा प्लेयर है। और दोस्तों क्या बोलते हैं इस ये जो कस्टम है आपको मजा आ रहा है क्या वो भी कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों वी बैच वाला सीन कैसे लगा जरूर बताना पूरा ओरिजिनल की तरह दोस्तों वी बैच लगता है आप भी दोस्तों अपने दोस्तों को चौंकाना जरूर दोस्तों चौंकाना वो लोग भी दोस्तों आपका तारीफ करेगा। और दोस्तों आप मेरे लिए मतलब इतना तो कर ही सकते हो कि एक बंदे के साथ शेयर करना क्योंकि मैं बहुत दोस्तों दिल से मतलब क्या बोलते हैं टूट चुका हूँ इसलिए दोस्तों आपको मैं बार बार एक ही बात बोल के बोरिंग कर रहा हूँ पता नहीं मेरे मुँह से वो बात निकल जा रहा है। तो दोस्तों देख सकते हो कमेंट की तरफ आते हैं 3-0 हो रहा है यहाँ पे दोस्तों M18 का राहुल वन टैप देने की फिर से जबरदस्त कोशिश कर रहा है और ग्लूवॉल भी बहुत ही ओपी लग रहा है। यहाँ पे मैकेनिकल एमपीवटी है साइको रेस के बाद देखते हैं डैग चलेगा या वन टैप चलेगा देखने वाली बात होगा। देख सकते हो ये दोनों ही घूम रहा है एक तो एक की तरफ एक कोई भी रिक्स नहीं लेके कोशिश नहीं कर रहा है। और यहाँ पे राहुल भी ओपी सा ग्लूवॉल का स्पीड दिखाता हुआ साइको रेस थोड़ा सा डैमेज ओ भाई साहब देखने वाली बात होगा बहुत जबरदस्त ग्लूवॉल लगा रहा है राहुल मतलब बहुत फास्ट ग्लूवॉल लगा रहा है ये शायद रेडमी सिक्स से खेलता है तो छोटा 3GB वाला रैम है जो हमारा पिकाचू भाई है। तो देखते हैं पिकाचू भाई क्या यहाँ पे मार पाएगा देख सकते हो कहाँ पे ग्लूवॉल लगा रहा है कहाँ कैसे लग रहा है। तो देखने वाली बात हो वन टैप लेने की जबरदस्त कोशिश कर रहा है हमारा पिकाचू भाई और यहाँ पे साइको रेस जो हमारा MP40 है ड्रैग लेने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे मतलब राहुल बहुत ही एडवांटेज में है 3-0 से जीत रहा है देखने वाली बात होगा ये वन टैप दे पाएगा या ड्रैग खाएगा। पिकाचू भाई के पास बहुत ही क्या बोलते हैं जबरदस्त मौका 4-0 से लेने का और यहाँ पे साइको रेस अपना जो क्या वाली इज्जत बचाने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे मतलब खेल बहुत ही आगे बढ़ता हुआ और लास्ट मोमेंट में आ चुका है जोन भी बहुत छोटा होने वाला है क्या हिल फाइट होगा क्या वन टैप लगेगा देखने वाली बात होगा। और यहाँ पे फिर से वन टैप लेने की कोशिश फिर से चूक गया है। तो देखते हैं 3-0 हो रहा है साइको रेस आगे बढ़ता हुआ जोन भी आगे बढ़ता स्टिंग होता हुआ देखते हैं
छोटा जोन हो चुका है और यहाँ पे साइकोरेक्स मतलब मौका ढूंढ रहा है, राहुल भी मतलब जो हमारा पिकाचू भाई है वो भी मौका ढूंढ रहा है, जोन बहुत छोटा हो रहा है और दोनों के पास भी थोड़ा सा डैमेज, दोनों के पास भी थोड़ा सा डैमेज, साइकोरेक्स का फिर से डैमेज, राहुल क्या मार पाएगा, राहुल मार पाएगा, साइकोरेक्स बहुत ही बढ़िया मौका और यहाँ पे देख सकते हो ओपी सा विक्ट्री करता हुआ मतलब जो हमारा बुआ करता हुआ हमारा पिकाचू भाई यानी राहुल भाई। तो दोस्तों देख सकते हो 4-0 हो चुका है और दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगता है दोस्तों आपने इस वीडियो को एक लाइक शेयर जरूर से कर दो और मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दोस्तों साइकोरेक्स के द्वारा बदला वाला मैच आप देखने के लिए एक्साइटेड हो गया कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो दोस्तों मैं मिलता हूँ किसी और दिन किसी और नियर फेसबुक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों हंसते रहिए मुस्कुराते देखते रहिए इंजीनियरिंग का वीडियो और दोस्तों जरूर से इंस्टाग्राम और फेसबुक में मेरे को फॉलो कर लेना और दोस्तों वीडियो में मेरे से कोई भी गलती हो जाता है अपना छोटा भाई समझ के माफ कर देना और दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों, हैव ए गुड डे।